गाइज़ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज़ आज मैं आई हूँ एक जगह पोर्टसमिथ गिल्ड हॉल करके है, वहाँ पे जॉब फेयर चल रहा है। सो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे विज़िट करती हूँ एंड देखती हूँ कि क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है इनके पास। यहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं। यूके में ऐसा होता है कि हर एक सिटी में जॉब्स फेयर रन होते हैं, मतलब एवरी ओकेजनली रन करते हैं वो। जैसे कि पता है कि स्टूडेंट्स का अभी वेकेशन आने वाला है या फिर स्टूडेंट्स कोर्स ख़त्म करने वाले हैं, तो ऐसे टाइम पे वो जॉब फेयर्स रन करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो कि नियर बाई था मेरे घर के गिल्ड हॉल करके, वहाँ पे आई हूँ। सो लेट्स सी, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे स्टॉल्स कैसे लगते हैं। सो गाइज़ मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। जैसे कि आप पहला ब्रोशर देख रहे हो सामने, मेकिंग ऑफ यू करके लिखा हुआ है। ये लोग जो है वो आर्मी एंड ऑल इन सब में करते हैं, बट इनका जो ब्रांच है वो पोर्टसमिथ से ही बिलोंग करता है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इनके साइट पे जाके देख सकते हो। और ये जो सेकेंड वाला है, इन्होंने केयर होम रिलेटेड इन्होंने स्टॉल लगाया था। इनके जो भी है NHS रिलेटेड जॉब्स ये देते हैं केयर होम के अंदर। फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल पर। ये है इन्होंने भी NHS के थ्रू ही कुछ लगाया है। और ये नर्सिंग में देख रही है परमानेंट स्टाफ को, अगर किसी को भी परमानेंटली जॉब चाहिए स्पॉन्सरशिप के साथ, तो वो लोग ये वाला स्टॉल के ऊपर जो लिखा है इन्फॉर्मेशन जो दी गई है उसके ऊपर आप जा सकते हो। और ये है TP ट्यूटर्स, ये इनका कुछ अलग है। ये टीचिंग लेवल के स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो टीच कर सके, लेकिन उनके भी अलग क्राइटेरियाज हैं। और ये फेयरवेस, ये भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं। इनको भी कुछ ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जो हेल्थ केयर में हो। और ये है स्वानकिन विक करके कोई लॉज है, जहाँ पे वो ज़्यादा लोग अभी देख रहे हैं जो उनके लॉज में काम कर सके, जहाँ पे लोग पेशेंट्स वगैरह जो रेसिडेंट्स होते हैं उनके लिए काम कर सके। बट ये जो अभी जो सामने जो देख रहे हो आप, वो एक अच्छी वाली कहते ना प्रोफेशनल स्टॉल थी, जहाँ पे इंजीनियर्स लोग देख रहे हैं वो, जो अभी फ़िलहाल इंजीनियर कोर्सेज में इन्वॉल्व है, वो लोग इनको कांटेक्ट कर सकते हैं इंजीनियर लेवल पे जॉब करने के लिए। और ये भी एक ऐसा है जो होम केयर के जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, डोर टू डोर जॉब्स। अब इनकी भी वेबसाइट मैंने नीचे कैप्चर की है, आप जाके देख सकते हो। और ये कुछ चॉकलेट भी दे रहे थे तो मैंने 2 चॉकलेट उठा लिए। एंड ये जो लड़का जो था वो बांग्लादेश से था, जिससे मेरी अच्छे से बात हुई। एंड ही वॉज़ वेरी नाइस, ही स्पोक टू मी एंड ही एक्सप्लेन मी एवरीथिंग एंड राइट एट होम। ये होम राइट एट होम मतलब ये होम टू होम होता है जॉब, जो कि डोर टू डोर जॉब होता है। आपको ये बता देंगे, आप डायरेक्ट डिटेल पे जा सकते हो। और ये सेकेंड होम का छोटा सा एक क्लिप है जो मैंने कैप्चर किया था, कि ऑलमोस्ट सब लोग जाने के बाद मैंने किया था। स्टार्टिंग में बहुत गर्दी थी तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैंने सोचा बाद में करती हूँ मैं। सो ये जो फर्स्ट होम है, वहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर पे ही था, सेकेंड फर्स्ट रूम में इतने सारे लोग अभी भी, वहाँ पे ज़्यादातर गर्दी थी, मतलब भीड़ ज़्यादा थी 12:30 बजे तक। तो गाइज़ ये बंदा जो है ये आर्मी लेवल पर देख रहे हैं लोगों को, जो फिट और फाइन हो, जो हेल्दी हो, ऐसे लोगों के लिए जो नीचे अपॉर्चुनिटीज़ लिखी है वैसे अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको ट्रैवल करने का भी चांस मिलता है, ऐसा वो कह रहे थे। तो मैं बस आपको बता रही हूँ, आपको बस उनके साइट पे जाना है और अप्लाई करना है। वो आपको बता देंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। मेरा अभी हो चुका है, यहाँ पे जॉब फेयर से निकल गई हूँ मैं। एंड ये सब मैंने चीज़ें यहाँ से कलेक्ट की है। किसी को भी अगर जॉब्स की ब्रोशर्स चाहिए होंगी तो यू गाइस कैन कमेंट डाउन। मैं इनके फ़ोटोज़ आपको मैसेज में भेज दूँगी, जो भी रहेगा इंस्टाग्राम या तो ईमेल के थ्रू। सो अगर आप यूके में हो, आपको जॉब की ज़रूरत है, सो यू गाइस कैन मैसेज मी और यू कैन ईमेल मी। आई जस्ट ड्रॉप दिस ब्रोशर ऑन योर ईमेल एड्रेस, सो यू कैन गो थ्रू बाय ऑल द इंफॉर्मेशन। आई नो सो मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट अटेंडेड दिस वन, इट इज़ वेरी नियर, इट्स इन सेंटर ऑफ पोर्टसमिथ, बट ठीक है, कोई बात नहीं। हेलो सर, इट्स लाइक मैं ड्रॉप कर दूँगी, इफ़ यू गाइज नीड मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब्स जस्ट कमेंट नाउ।
मेरी जॉब फेयर हो चुकी है, आई मीन जॉब फेयर अटेंड करके हो चुकी है एंड आई गॉट सो मेनी ब्रोशर्स। सो मैं शायद घर जाके उन्हें चेक करूँगी, एक एक चेक करके मैं उन्हें मेल ड्रॉप करूँगी। उनके वेबसाइट पे भी जाना होगा मुझे एंड चेक करना होगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर मेरे कोर्स से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी है तो शायद मेरी प्रायोरिटाइजेशन उसके लिए पहले जाएगी एंड देन बाकी चीज़ों के लिए बाद में जाएगी। मोस्टली तो केयर होम के ही जॉब फेयर्स, जॉब जो स्टॉल्स थे अंदर, वो सब कुछ केयर होम रिलेटेड ही थे, उससे ज़्यादा कुछ था नहीं। तो अगर आपको भी जैसे केयर होम में जॉब चाहिए तो आप ऐसे जॉब फेयर में जा सकते हो। एंड कुछ प्रोफेशनल्स भी होते हैं जॉब्स, वो जो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे इंजीनियरिंग जैसे एक था विच वाज वेरी प्रोफेशनल जॉब, उन्होंने कहा है कि इंजीनियरिंग जॉब हम लाइक इंजीनियर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो यू गाइज़ कैन अप्लाई टू देम। वहीं पे वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी ले लेते हैं आपको, आपको जस्ट कॉन्टैक्ट देना है एंड दे विल गेट बैक टू यू। और उनके ब्रोशर्स आपको एक एक रिसीव करने हैं ताकि आप घर पे जाके भी थोड़ा बहुत रिसर्च करके उन्हें अपना मेल ड्रॉप करो विद द रेज्यूमे, विद द अपडेटेड रेज्यूमे गाइज, नॉट द वन विच यू आर कैरिंग सिंस लॉन्ग टाइम। सो यू हैव टू अपडेट योर रेज्यूमे एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन विच आई रिसेंटली डिड। एक्चुअली इन माई लास्ट लाइक ओपनिंग आई अप्लाइड फॉर द गूगल एंड आई डिड अ मिस्टेक एंड बिफोर बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट रिजेक्टेड एंड दे सेड लाइक यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। सो आई एम लाइक व्हाट द हेल। कोई बात नहीं गाइज, होता है ऐसे, लाइक बड़ी कंपनी में जाना है तो बड़ा टाइम भी चाहिए, इट्स फाइन। बट अभी हो चुका है जॉब फेयर अटेंड करके, कुछ 10-15 से 20 स्टॉल्स थे ऑलमोस्ट। सो मैं घर जाके, अगर किसी को भी गाइज अगर ब्रोशर्स चाहिए तो मुझे मेल कर सकते हो। जो भी अगर आप यूके में हो तो ही ये आपके लिए अप्लीकेबल है गाइज, आप कहीं पर भी बैठ के जॉब नहीं कर सकते, आप अगर आप यूके में हो तो ही आप कर सकते हो। सो ये सोच के ही आप जॉब के लिए मतलब अप्लाई करो। एंड किसी को भी ब्रोशर चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, मैं ये अपलोड कर दूँगी एंड आप जाके वो साइट पे जाके देख सकते हो, आप पूरा ब्रोशर देख सकते हो। मैं आपको फ़ोटो भेज दूँगी ब्रोशर का। आई नो काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं आए हैं तो इट्स फाइन, लेकिन ठीक है। सो अब मैं जाने वाली हूँ टेस्को, मुझे थोड़ी बहुत ग्रोसरी लेनी है, फिर उसके बाद फिर मैं घर जाऊँगी। मुझे थोड़ा घर पे भी खाना वगैरह बनाना है, खाना खाना है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो अब बज रहे हैं 12:30, तो मैं घर जाके फिर खा के फिर थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर देखते हैं क्या है, फिर दिन तो ख़त्म ही हो गया। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गाइज प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो इफ़ यू थिंक दैट इट हैज़ सम वैल्यू। और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए अगर लगता है कि हाँ किसी को हेल्प कर देगी तो प्लीज़ उनको शेयर कर देना एंड थैंक यू सो मच।